हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल एमराव। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकृति के अंतर्गत पार्ट 11 का संपूर्ण हल। इस पार्ट का नाम है ऐसे भी होते हैं घर। तो पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे, इसके लिए पहला है का, अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों में खाली स्थान के घर बनाए जाते हैं, तो यह यहाँ भरा जाएगा बांस। नेक्स्ट है खा, पानी में तैरते हुए घर को खाली स्थान कहते हैं, तो हाउस बोट कहते हैं। गा है बर्फ की सिल्लियों से बने घर को इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट घा, चलते फिरते घर खाली स्थान रूप से बनाए जाते हैं, तो ये अस्थाई रूप से बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है घर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसका आंसर है घर वर्षा गर्मी तूफान सर्दी आदि से हमारी सुरक्षा करते हैं, इसलिए घर हमारे लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे। इस प्रकार के घर लकड़ी के डोंगे के समान बने होते हैं, यह नावों की तरह पानी में तैरते रहते हैं, इसलिए इन्हें तैरते हुए घर या हाउस बोट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साम पान किसे कहते हैं। चीन में बहुत से लोग नाव पर बने घर में रहते, खाते पीते और सोते हैं। ये अपने लिए इसी नाव पर सब्जियां उगाते हैं और मुर्गियां पालते हैं, इन घरों को साम पान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतीय क्षेत्रों के घरों की छत तिरछी क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है तथा बर्फ भी गिरती है, इसलिए ऐसी जगहों पर छत सपाट नहीं होती है बल्कि तिरछी बनाई जाती है ताकि इन पर वर्षा का पानी या बर्फ रुक ना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी से बने घर की क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर है इन दीवार घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों की मिट्टी सूर्य की गर्मी से सूखकर कठोर हो जाती है। मोटी दीवारें होने के कारण गर्मी घर के अंदर नहीं जा पाती, जिससे इन घरों के अंदर ठंडक रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, बिना दीवार के घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर है अमेजन के जंगलों में बिना दीवार के घर बनाए जाते हैं, और अमेजन के जंगल ये हैं दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 है क्या आपके यहाँ बर्फ़ के घर बनाए जा सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो इसका आंसर है नहीं, हमारे यहाँ बर्फ़ के घर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि यहाँ ठंड कम पड़ती है। यदि यहाँ पर बर्फ़ के घर बनाए जाएंगे तो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएंगी। बर्फ़ के घर उन्हीं जगहों पर बनाए जा सकते हैं जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ हो। तो गाइज, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।